गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स एंड फैकल्टी मेंबर्स हु आर वाचिंग दिस वीडियो एंड दिस चैनल. मायसेल्फ डॉक्टर के सी सोनी, एसोसिएट प्रोफेसर इन जूलॉजी, गवर्नमेंट लोहिया, पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज चूरू, एफिलिएटेड टू महाराजा गंगा सिंह यूनिवर्सिटी बीकानेर. इन द लेक्चर सीरीज ऑफ एंटोमोलॉजी टूडे आई विल डिलीवर माई टॉक ऑन क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्डर हाइमनोप्टेरा ऑफ क्लास इंसेक्टा. जैसा कि आपको पता है, डिपार्टमेंट जूलॉजी के द्वारा एंटोमोलॉजी की एक विशेष लेक्चर सीरीज आयोजित की जा रही है. आज की इस व्याख्यानमाला के संदर्भ में हाइमनोप्टेरा के क्लासिफिकेशन पे मैं आपसे चर्चा करूँगा. हाइमनोप्टेरा के मुख्य लक्षण क्या है, इसके अंदर कौन कौन सी फैमिलीज है, कौन कौन सी फैमिलीज में कौन से इंसेक्ट्स हैं, और इसका इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस क्या है, सोशल इम्पोर्टेंस क्या है, तो इन सभी एस्पेक्ट को टच करते हुए मैं आज का व्याख्यान कवर करूंगा. क्लास इंसेक्टा में टेरिगोटा के अंदर एंडोटेरिगोटा, जिनको होलो मेटाबोला भी बोलते हैं, और एंडोटेरिगोटा के अंदर ये ऑर्डर होता है हाइमनोप्टेरा, और हाइमनोप्टेरा के अंदर वाष्प, आंट, बीज और सोफ्लाई इनको इंक्लूड किया गया है. हाइमनोप्टेरा इज ए बेनिफिशियल ग्रुप ऑफ इंसेक्ट्स क्योंकि दे आर पैरासिटॉइड ऑफ ह्यूमन एग्रीकल्चर पेस्ट, दे आर प्लांट पॉलिनेटर्स, दे आर हनी प्रोड्यूसर्स, एंड वाइड वेराइटी ऑफ बिहेवियर्स कैन बी ऑब्जर्व अमंग दीज इंसेक्ट्स. मोस्ट इंपॉर्टेंटली सोशल बिहेवियर ऑफ सम वास्प एंड बीज एंड ऑल आंट्स. तो जितने भी वाष्प है, हानि भी है, आंट्स हैं, इनका सोशल बिहेवियर बहुत ही अमेजिंग प्रकार का होता है, जिसपे बी लैंग्वेज पे तो नोबल पुरस्कार भी मिल चुका है. हॉलमार्क्स ऑफ यूज सोशली, रिप्रोडक्टिव डिवीजन ऑफ लेबर इसमें पाया जाता है क्योंकि कास्ट सिस्टम इसमें बहुत डेवलप होता है. इसमें किंग होती है, क्वींस होती है, ड्रोन्स होते हैं, वर्कर्स होते हैं, ओवरलैपिंग जनरेशंस पाई जाती है, और कोऑपरेटिव ब्रूड केयर इसमें होता है. तो ये इस ऑर्डर की जो मोस्ट सिग्निफिकेंट जो पॉइंट है वो इस स्लाइड के माध्यम से मैंने आपसे शेयर किया है. अब इसके जो कॉमन लक्षण हैं, कॉमन फीचर्स, हाइमिनोप्टेरा, हाइमिनो का अर्थ है मेम्ब्रेन, टेरा मीन्स विंग, यानी ऐसे इंसेक्ट जिसके पंख मेम्ब्रेन के जैसे हों, झिल्ली के जैसे हों. बॉडी माइन्यूट टू वेरी लार्ज, लार्वी यूजुअली लेगलेस विथ डिस्टिंक्ट हेड, सम यूरुसिफॉर्म विथ लेग्स एंड प्रोलेग्स, प्यूपी एक्सरेट टाइप की होती है, यूजुअली इन ए कॉकून, कोकून के अंदर रहती है, माउथ पार्ट से चीविंग टाइप के या लैपिंग प्रकार के होते हैं, कुछ इंसेक्ट में ये सकिंग टाइप के या साइफनिंग प्रकार के होते हैं, आईज एंड ओसिलाई, लार्ज कंपाउंड आई प्रेजेंट, थ्री डोर्सल ओसिलाई प्रेजेंट, एंटीना फिलीफॉर्म अथवा जेन्यूक्लेट प्रकार की होती है, विंग्स टू पेयर और दोनों पंख हैं वो मेम्ब्रेनस प्रकार के हैं, हाइंड विंग स्मॉलर देन फोर विंग, हाइंड विंग है वो फोर विंग की तुलना में छोटा होता है, लेग्स फाइव सेगमेंटेड टार्साई, टांगों में फाइव सेगमेंटेड टार्साई पाई जाती है, एब्डोमन इन एपोक्राइटा प्रोपोडियम इज फ्यूज्ड विथ मेटाथोरेक्स, प्रोपोडियम मेटाथोरेक्स के साथ फ्यूज रहता है, कॉन्स्ट्रिक्टेड पोस्टीरियर इन द फॉर्म ऑफ ए पिटियोल, पोस्टीरियर पार्ट हैव स्टिंग एपरेटस इन सम मेंबर्स, कुछ इंसेक्ट में एब्डोमन का जो पोस्टीरियर पार्ट है वो स्टिंग एपरेटस के अंदर परिवर्तित हो जाता है, जैसे हनी भी है, वाष्प है, और इस ऑर्डर के अंदर आंट्स, बीज, वाष्प और सोफ्लाई इनको इंक्लूड किया है. ये फिगर भी जैसे मैंने शेयर किए, जैसे ये आंट का डायग्राम है, ये हनीबी का डायग्राम है, ये पेपर वास्प जो होता है उसका डायग्राम है. अब हाइमनोप्टेरा के अंदर दो सब ऑर्डर्स हैं, सब ऑर्डर सिम्फाइटा और सब ऑर्डर एपोक्राइटा. इन दोनों सब ऑर्डर्स में मेजर डिफरेंस है, वो मैं आपसे इस टेबल के माध्यम से शेयर करूंगा. सिम्फाइटा में एब्डोमन ब्रॉडली अटैच्ड टू द थोरक्स, यानी एब्डोमन का
एब्डोमेन और थोरस के बीच में कोई संकीर्णन नहीं है, कोई कॉन्स्ट्रिक्शन नहीं है, लेकिन एपोक्राइटा में बेस ऑफ एब्डोमेन इज कॉन्स्ट्रिक्टेड एंड विच इज कॉल्ड एज पिटियोल। सिम्फाइटा में स्टीमेटा प्रजेंट होती है, एपोक्राइटा में स्टीमेटा एबसेंट होती है। सिम्फाइटा में फोर टीबिया ऑलवेज विथ टू स्पर्स, फोर टीबिया में दो स्पर पाए जाते हैं, और एपोक्राइटा में फोर टीबिया विदाउट एन स्पर, फोर टीबिया में कोई स्पर नहीं पाए जाते हैं। सिम्फाइटा में लार्वी विथ थोरेसिक एंड एब्डोमिनल लेग्स, लार्वी के थोरेक्स में और एब्डोमन में टांगे पाई जाती है, और एपोक्राइटा में लार्वी जो है एपोडेश होती है, इसके अंदर थोरेक्स और एब्डोमन में कोई टांगे नहीं होती है। प्रीपुपा एब्सेंट, इसमें प्रीपुपा प्रेजेंट होता है, मोस्टली पॉलीफेगस, ये मोस्टली पैरासिटिक प्रकार के होते हैं। ओविपोस्टर मॉडिफाइड फॉर पर्सिंग प्लांट टिश्यूज, ओविपोस्टर है वो प्लांट टिश्यूज को भेदने के लिए मॉडिफाई हो जाते हैं, क्योंकि ये उसके अंदर पंक्चर करके उन प्लांट्स में ये अंडे दे देती है। और एपोक्राइटा में जो ओविपोस्टर है ये स्टिंग एपरेटस के अंदर रूपांतरित हो जाते हैं, मॉडिफाइड इंटू स्टिंग एपरेटस। सिम्फाइटा में जो लार्वी है वो कैटरपिलर लाइक होती है, और इसमें एक जोड़ी स्टीमेटा पाए जाते हैं, जबकि एपोक्राइटा में लार्वी ग्रब के समान होती है, जिसको मैगेट के नाम से जाना जाता है। सिम्फाइटा में थ्री पेयर थोरेसिक एंड सिक्स टू एट पेयर एब्डोमिनल लेग्स, इनकी जो एम्ब्रियोनिक जो स्टेजेज होती है उसमें तीन जोड़ी थॉरेक्स में उपांग होते हैं, और एब्डोमेन में छः से आठ जोड़ी उपांग होते हैं, जबकि एपोक्राइटा की एम्ब्रियोनिक स्टेजेज है वो एपोडस होती है या यूसेफेलस प्रकार की होती है। सिम्फाइटा में फ्री लिविंग प्रकार के हैं, जबकि एपोक्राइटा में लाइव्स इन प्रोटेक्टेड नेस्ट सेल्स, ये जो नेस्ट होते हैं, छाते जो होते हैं, जैसे मधुमक्खी के छाते हैं, वास्प के छाते हैं, तो छाते के अंदर ये इंसेक्ट जो होते हैं वो निवास करते हैं। सिम्फाइटा में ऑल हैव टू पेयर ऑफ मेम्ब्रेनस विंग्स एज अडल्ट विथ मोस्ट डिस्प्लेइंग ए फेयरली बेसिक सेट ऑफ सेल्स एंड वेंस, ये जैसे कुछ पंखों के फिगर दिखाएं अलग अलग इंसेक्ट के जो सब ऑर्डर सिम्फाइटा से बिलोंग करते हैं। और इसके अंदर एपोक्राइटा टू पेयर और वन सेक्स एप्टेरस, वेनेशन ऑफन रिड्यूस्ड, मेम्ब्रेन में भी पैटर्न, फोर एंड हाइंड विंग अटैच्ड विथ हेमुलाई, हेमुलाई है एक तरह का विंग कपलिंग डिवाइसेस होती है, जिसमें फोर विंग और हाइंड विंग, फोर विंग का पोस्टीरियर पार्ट, हाइंड विंग का इंटीरियर पार्ट, ये दोनों आपस में कुछ विंग कपलिंग डिवाइसेस के द्वारा जुड़ी रहती है। तो इनके अंदर ये विंग कपलिंग एपरेटस है जिसको हेमुलाई के नाम से जाना जाता है, और हेमुलाई है वो एक तरह की काइटिन जैसी, एक रोड जैसी स्ट्रक्चर होती है जो शीराओं के साथ और लोब के साथ फर्मली अटैच रहती है, जिसके कारण फ्लाइट के समय दोनों विंग एक साथ, दोनों विंग में एक साथ अप स्ट्रोक और डाउन स्ट्रोक मोमेंट होती है। हाइमनोप्टेरा में सिम्फाइटा, सिम्फाइटा के अंदर ये सुपर फैमिलीज हैं, सुपर फैमिलीज के अंदर ये फिर कई फैमिलीज हैं, तो इसके अंदर सुपर फैमिली जैसे जाइलोइडिया, मेगालोडोंटोइडिया, सीरिकोइडिया, सेफोइडिया, इनके अंदर फैमिली है जाइलिडी, इसमें फैमिली है पैम्फाइलिडी, इसमें फैमिली है सीरिकोइडी, और इसके अंदर फैमिली है सेफिडी। अब इनके सभी के कमेंट्स और कुछ इंपॉर्टेंट जो एग्जांपल्स है वो मैं शेयर करूँगा। फर्स्ट जैसे जाइलोइडिया, इसमें फैमिली है जाइलिडी। आर एस वैन फॉर्क्ड इन फॉर्मिंग, अगर पंखों में जो रेडियस सेक्टर वैन होती है ये फॉर्क प्रकार की होती है, एग्जाम्पल जाइलिया मैक्रोजाइलिया, ये डायग्राम जाइलिया का है, ये मैक्रोजाइलिया का है। नेक्स्ट इज मेगालोडोंटोइडिया, इसके मुख्य कमेंट्स में एंटीना विथ थर्ड सेगमेंट नॉट वेरी लॉन्ग, एंटीना विथ थर्ड सेगमेंट है वो ज्यादा लंबा नहीं होता है। प्रोनोटम विथ हाइंड मार्जिन आल्सो स्ट्रेट, प्रोनोटम थोरेक्स में जो टर्गम होता है उसको प्रोनोटम बोलते हैं, एब्डोमेन में टर्गम ही बोलेंगे, लेकिन थोरेक्स में डिमार्केशन के लिए, डिफ्रेंशिएट करने के लिए थोरेक्स में जितने भी टर्गम है उसको नोटम के नाम से जाना जाता है, जैसे प्रोथोरेक्स में प्रोनोटम, मीजोथोरेक्स में मीजोनोटम, मेटाथोरेक्स में मेटानोटम। एब्डोमेन है वो चपटा होता है, फ्लैटेंड होता है। इसमें फैमिली है पैम्फाइलिडी, इसमें सबकोस्टा वेन एब्सेंट होती है अग्रपंखों में, सबकोस्टा एब्सेंट इन फॉर्मिंग, एग्जाम्पल इज न्यूरोटोमा,
ये जो फिगर आप देख रहे हो, ये दिस इज न्यूरोटोमा। नेक्स्ट इज सिरिकोइडिया। सिरिकोइडिया के सेलियंट फीचर्स में फोर टीबिया विथ स्मॉलर स्पर, अग्र टीबिया में स्पर है वो छोटे होते हैं, वेरी स्मॉल और ऑफन एब्सेंट। इसमें एक फैमिली है सिरिसीडी। सिरिसीडी के सेलियंट फीचर्स में ब्लैक येलो अथवा मेटेलिक ब्लू, बॉडी का जो कलरेशन है वो काला पीला होता है अथवा भड़कीला नीले रंग का होता है। एब्डोमेन टर्मिनेट इनटू स्पाइन, मैक्सिलरी पल्प विथ फोर सेगमेंट्स, ओविपोस्टर इज स्ट्रॉन्ग। एग्जाम्पल साइरेक्स, इनको वुड वास्प के नाम से भी जाना जाता है। तो मिट्टी के जो स्टेम्स होते हैं, पौधों के जो बड़े बड़े जो पेडी होती है कटी, उनके अंदर ये छेद करके उसके अंदर ये निवास करती है, इसलिए इसको वुड वास्प का नाम दिया है। नेक्स्ट इज सेफोइडिया। सेफोडिया के मुख्य लक्षण में फोर टीबिया विथ स्मॉलर स्पर, अग्र टीबिया स्पर बहुत छोटे होते हैं, वेरी स्मॉल और ऑफन एबसेंट। इसमें एक फैमिली है सेफिडी। सेफिडी में प्रोथोरेक्स इज लार्ज, प्रोथोरेक्स बड़ा होता है, मोस्टली डार्क और ब्लैक कलर्ड, ज्यादातर है वो भूरे रंग के काले रंग के। एग्जाम्पल सेफस अथवा सोफ्लाई। हाँ, इसके बाद सेकेंड सब ऑर्डर इज एपोक्राइटा। तो हाइमनोप्टेरा के अंदर एपोक्राइटा, एपोक्राइटा के जो मुख्य लक्षण है बेस ऑफ एब्डोमेन इज कॉन्स्ट्रिक्टेड। एब्डोमेन का जो बेसल पार्ट है थोरेक्स और एब्डोमेन के बीच में, वो थोड़ा संकीर्णित प्रकार का होता है, कॉन्स्ट्रिक्टेड होता है। हाइंड लेग्स विथ वन और टू वेसल सेल्स, ट्रोंकेटर वन और टू सेगमेंटेड, लार्वी एपोडस होती है, फाइटोफेगस होते हैं और कुछ ओमनिवोरस पैरासाइट्स भी होते हैं। इसके अंदर ये सुपर फैमिलीज हैं, सुपर फैमिलीज में फैमिलीज है, ये आउटलाइन जैसे एक तरह का फ्लो चार्ट जैसे ये यहाँ पर शेयर कर रहा हूँ आपसे। इक्नुमोनिडिया के अंदर फैमिली है इक्नुमोनिडी, ब्रैकोनिडी। इवेनियोडिया के अंदर फैमिली है इवेनेडी, ओलोसीडी और गैस्ट्रप्लिडी। स्कॉलिडिया में फैमिली है स्कॉलिडी, टीडी, सेफाइजीडी, फॉर्माइसीडी। वेस्पोडिया के अंदर वेस्पीडी, यूमेनिडी, मैसेरीडी। स्पिकोइडिया में स्पिकीडी, एपोडिया के अंदर कॉलिटीडी, हेलिक्टीडी, मेलिटीडी, मेगाचेलिडी, जाइलोकॉपीडी और एपीडी। फर्स्ट सब सुपर फैमिलीज इक्निमोनिडिया। हाइंड फीमर विथ ए ट्रॉन्केटलस, हाइंड फीमर में ट्रॉन्केटलस पाया जाता है, फॉरविंग विथ ए टेरो स्टिग्मा एट डिस्टल एंड ऑफ कॉस्टा, फॉरविंग के टेरो स्टिग्मा वाले पार्ट में, डिस्टल एंड ऑफ कॉस्टा। एंटीनी लॉन्ग विथ मोर देन 16 सेगमेंट्स, एंटीना लंबी होती है और एंटीना में जो सेगमेंट की संख्या है वो 16 से ज्यादा होती है। इसमें फर्स्ट फैमिली है इक्निमोनिडी। कोस्टल सेल नैरो होती है, क्रॉस वेन 2MCU, 2MCU यानी मीडिया और क्यूबिटस को जोड़ने वाली क्रॉस सीरा वो प्रेजेंट होती है। हाइंड विथ विथ क्रॉस वेन RM, पश्च पंखों में रेडियस मीडिया वेन जो होती है वो आपस में मीट करती है। एग्जाम्पल टर्सी लॉकस, ये फिगर है टर्सी लॉकस, ये इसके पंखों की जैसे स्ट्रक्चर्स दिखाई है। पंखों में आप देख रहे हो ये सीराई हैं और ये इसके अंदर कॉस्ट्रक है, ये इसके अंदर जैसे क्रॉस क्रॉस वेन है वो दिखाई है। नेक्स्ट फैमिली इज ब्रैकोनिडी, फॉर्मिंग विथ कॉस्टल सेल नैरो, अग्र पंखों में कॉस्टल जो सेल है वो संकरी होती है, क्रॉस वेन 2MCU एब्सेंट। एग्जाम्पल माइक्रोगैस्टर, इसे माइक्रोगैस्टर नाम इसलिए दिया है कि एब्डोमेन का जो फूला हुआ जो भाग होता है उसको गैस्टर बोलते हैं और एब्डोमेन का स्वेलन पार्ट है वो इसमें थोड़ा छोटा होता है, इसलिए इसको माइक्रोगैस्टर का नाम दिया है। नेक्स्ट इज इवेनियोइडिया, इनको हैटचेट वास्प के नाम से भी जाना जाता है। कॉस्मोपॉलिटन डिस्ट्रीब्यूशन होता है, लार्वी जो है ये कॉकरोच के ऊपर फीडिंग करती है, ओविपोस्टर इनका छोटा होता है। इसमें एक फैमिली है इवेनिडी। हाइंड विक विथ एन एनल लोब, पश्च पंखों में केवल एक एनल लोब पाया जाता है, गैस्टर शॉर्ट विथ ए लॉन्ग एब्रप्ट पिट्यूल, गैस्टर छोटा होता है
और पिटियोल है वो लंबा है और एब्रप्ट प्रकार का है। एग्जाम्पल इज इवेनिया, इंसेक्ट में आप देख रहे हो पिटियोल है, ये थोड़ा लंबा है, गैस्टर है वो थोड़ा स्वॉलन पार्ट है, छोटा है। तो हेड और थोरेक्स की तुलना में एब्डोमेन की स्ट्रक्चर आप देख लो थोड़ी अजीब तरह की है इसमें। नेक्स्ट फैमिली ओलेसीडी, फॉर्मिंग विथ टू मीडिया क्यूबिटस क्रॉसवेन, हाइंड विंग विथ नो एनल लोब, पशुपंखों में कोई एनल लोब नहीं पाया जाता है, ओविपोस्टर लंबा होता है। एग्जाम्पल जिफिड्रिया, ये इंसेक्ट में आप देख लो इसका जो ये जो ओविपोस्टर है कितना लंबा है इसमें पोस्टियर पार्ट। नेक्स्ट फैमिली इज गैस्ट्रेप्टिडी, इन फैमिली में फॉर्मिंग नो मोर देन वन एमसीयू क्रॉसवेन, अगर पंखों में एक से ज्यादा मीडिया क्यूबिटस क्रॉसवेन नहीं पाई जाती है, टू रेडियस मीडिया क्रॉसवेन एबसेंट, हाइंड विंग विथ नो एनल लोब, पशुपंखों में एनल लोब नहीं पाए जाते हैं, ओविपोस्टर लॉन्ग, ओविपोस्टर लंबे होते हैं। एग्जाम्पल गैस्ट्रप्शन। नेक्स्ट है सुपर फैमिलीज स्कोलियोइडिया, इसमें हेड मोर और लेस ग्लोबुलर, हेड है वो गोलाकार होता है, एंटीना विथ 12 सेगमेंट, एंटीना में 12 सेगमेंट्स पाए जाते हैं, फॉर्मिंग विथ टेरोस्टिग्मा, फॉर्मिंग में टेरोस्टिग्मा पाया जाता है, हाइंड विंग विथ ए डिस्टिंक्ट एनल लोब, हाइंड विंग में डिस्टिंक्ट एनल लोब पाया जाता है, लेग्स ऑफन शॉर्ट एंड स्टाउट, टांगे छोटी होती है मजबूत होती है। फैमिली स्कॉलिडी, मेल लास्ट स्टर्नाइट प्रोवाइडेड विथ थ्री स्पाइंस, नर में लास्ट जो स्टर्नाइट है उसमें तीन कांटे या छोटे जो स्पाइंस हैं वो पाए जाते हैं। फीमेल फुली विंग्ड, फीमेल है वो वेल डेवलप्ड पंखों युक्त होती है, विंग मेम्ब्रेनस एंड स्ट्रियोलेट, पंख है वो मेम्ब्रेनस प्रकार के होते हैं, झिल्ली प्रकार के होते हैं और स्ट्रियोलेटेड होते हैं। एग्जाम्पल इज स्कोलिया, ये जो डायग्राम आप देख लो दिस इज स्कोलिया। नेक्स्ट फैमिली टीफीडी, मेटास्टर्नम नॉट ओवरलाइंग द कॉक्सी, मेटास्टर्नम है वो कॉक्सी के ऊपर ढकी हुई नहीं होती है, इन मेल लास्ट स्टर्नाइट रेयरली थ्री स्पाइंड, दर में लास्ट स्टर्नाइट होते हैं उसमें यदा कदा ही थ्री स्पाइंस हैं वो पाए जाते हैं। एग्जाम्पल इज टीफिया, ये जो फिगर आप देख रहे हो दिस इज टीफिया। नेक्स्ट फैमिली इज सेफिजिडी, बोथ सेक्सेस आर विंग्ड, मेल और फीमेल दोनों में पंख पाए जाते हैं, फर्स्ट एंड सेकेंड गेस्ट्रल सेगमेंट्स आर सेपरेटेड बाई ए कॉन्स्ट्रिक्शन, एबडोमन का फर्स्ट और सेकेंड जो सेगमेंट है ये संकीर्णन के द्वारा सेपरेटेड रहता है, मिजोस्टर्नम विदाउट लेमिनी, मिजोस्टर्नम में यानी मिजोथोरेक्स का जो स्टर्नम है उसमें लेमिना नहीं पाई जाती है। एग्जाम्पल इज सेफाइजा, दिस फिगर इज सेफाइजा। नेक्स्ट फैमिली इज फॉर्माइसीडी, इसमें मेल एंड फीमेल नियरली ऑलवेज विंग्ड थ्रू फीमेल विंग्ड सून सेट, इसमें मेल और फीमेल है वो पंख युक्त होते हैं लेकिन फीमेल के पंख जो होते हैं वो झड़ जाते हैं, वर्कर विंगलेस, वर्कर है वो विंगलेस होते हैं, मेल गैस्टर विदाउट एन अपटर्न्ड टर्मिनल स्पाइन, मेल में जो गैस्टर है उसमें विदाउट अपटर्न्ड टर्मिनल स्पाइन होता है, एब्डोमेन विथ नोडिफॉर्म स्पेडिसल, एंटीना एल्बोट, एल्बोट प्रकार की होती है, ट्रोंकेटर अनडिवाइडेड, ट्रोंकेटर एसाकित होता है, टार्साई फाइव सेगमेंटेड विथ क्लॉज, टार्साई फाइव सेगमेंट होती है और उसके अंदर नखर जैसी स्ट्रक्चर्स पाई जाती है, कॉलोनी कंसिस्ट ऑफ किंग, कॉलोनी के अंदर किंग्स होते हैं, क्वींस होती है, वर्कर्स होती है, इसमें किंग जो है ये नर है, फर्टाइल है, हैप्लोइड है, क्वीन जो है ये फीमेल होती है, फर्टाइल है, डिप्लोइड है, वर्कर जो होते हैं फीमेल है, डिप्लोइड है लेकिन इनफर्टाइल है, स्टराइल नहीं है। यदि छाते में रानी मक्खी की डेथ हो जाए उस केस में जो सुपीरियर वर्कर या रानी के जो उनकी सेवा चाकरी में जो वर्कर्स लगे रहते हैं वो रानी के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं, क्योंकि वर्कर में ऊजनेसिस है वो इनहिबिट हो जाता है, क्योंकि ट्विन के द्वारा कुछ फिरोमोन स्रावित होते हैं जैसे 9-ऑक्सीडेसिनोइक एसिड, और इन फिनोबोन की स्मेल के कारण वर्कर्स के अंदर ऊजनेसिस की प्रक्रिया वो संपादित नहीं हो पाती है। इसके एग्जाम्पल है चींटियां, आंट्स,
चींटियों का भी एक बहुत बड़ा साम्राज्य है, बहुत बड़ा संसार होता है, बहुत बड़ी सोसाइटी होती है, पूरी टाउन प्लानिंग होती है, और ज़मीन में इनके बिलों को यदि इनकी डिज़ाइन देखें है, तो बहुत ही जैसे मोस्ट सिविलाइज्ड सिचुएशन होती है, उस तरह की इनकी ये कॉलोनी बनी होती है। हाँ, नेक्स्ट इज वेस्पोइडिया। वेस्पोइडिया के मुख्य लक्षणों में पोस्टीरियर मार्जिन ऑफ प्रोनोटम यू शेप इन डोर्सल व्यू। प्रोनोटम का जो पश्च जो भाग है वो यू शेप दिखाई देता है। इस डायग्राम आप देख लो, ये पॉजिटिव पार्ट है, इट लुक्स लाइक यू। नो सल्कस ऑन मीजोप्लूरोन। मीजोप्लूरोन में कोई सल्कस या सल्काई जैसी स्ट्रक्चर्स नहीं पाई जाती है। वन मीडियन सेल वेरी लॉन्ग, विंग्स यूजुअली फोल्डेड ओवर बॉडी व्हेन एट रेस्ट। जब इंसेक्ट रेस्ट करता है, विश्राम की वो पोजिशन में होता है, उसमें पंख जो होते हैं वो सिमट जाते हैं। इसके अंदर फैमिली है, फर्स्ट फैमिली दैट इज वेस्पिडी। दे आर सोशल वास्प विथ थ्री कास्ट। ये सामाजिक इंसेक्ट है जिसमें तीन कास्ट पाई जाती है। एब्डोमन कॉनिकल, एब्डोमन है वो शंकु रूपी होता है, विथ येलो ब्राउन कलर। इसमें पीले भूरे रंग के पिगमेंट्स पाए जाते हैं। दे बिल्ड द नेस्ट फ्रॉम पेपर। ये अपने छाते का निर्माण कागज से करते हैं, इसलिए इनको पेपर वास्प के नाम से भी जाना जाता है। एंटीना 12 सेगमेंटेड इन फीमेल। फीमेल में एंटीना 12 सेगमेंट वाली होती है और मेल के अंदर ये 13 सेगमेंट वाली होती है। फॉरविंग इज प्रोवाइडेड विथ ए वेरी लॉन्ग फर्स्ट डिस्कोइडल सेल। अग्रपंखों में फर्स्ट जो डिस्कोइडल सेल है ये लंबी होती है। इसके एग्जाम्पल है वास्प। तो ये जैसे वास्प का जैसे छाता दिखाया है, इस छाते के अंदर अलग अलग चैम्बर्स हैं। किंग के चैम्बर अलग है, क्वीन के अलग है, वर्कर्स के अलग है, और ये देख रहे हो आप जो सील सील जो कर दिए है, ये सील कर दिए, इसका मतलब इसके अंदर एग लिंग है वो हो चुकी है। नेक्स्ट फैमिली इज ह्यूमैनिटी। इसमें क्लॉज बाइफिड होते हैं, क्लॉज हैं वो आगे जाके द्विशाखित हो जाते हैं। इनर साइड ऑफ टेगुला यूजुअली ए मार्जिनेट टू रिसीव ए प्रोसेस ऑफ मीजोस्टर्नम। एब्डोमन हैज ए शॉर्ट और लॉन्ग पिटियोल। एब्डोमन पिटियोल छोटा अथवा लंबा हो सकता है। सॉलिटरी वास्प जनरली डार्क कलर। सॉलिटरी वास्प होते हैं जो प्राय गहरे रंग के होते हैं। एग्जाम्पल यू मैनिस, ये देख रहे हो आप इसमें इसका जो नेस्ट है वो घड़े घड़े के जैसा होता है पॉटर जैसे, इसे इसको पॉटर वास्प के नाम से भी जाना जाता है। और मिट्टी के द्वारा ही मिट्टी को ये अपने माउथ में सेलाइवा से मिला के इस नेस्ट का जो है कंस्ट्रक्शन करते हैं। और ये जो मिट्टी है ये भी इसमें मेडिसिनल प्रॉपर्टीज होती है। यदि स्किन के अंदर कोई घुमड़े हो जाए, फोड़े फूसी हो जाए, दाद खुजली हो जाए, वो तरह का कोई फंगल इन्फेक्शन हो जाए, तो गाँव में मैंने देखा है कि इस नेस्ट की जो मिट्टी होती है इसको गीली करके स्किन पे लगाते हैं और 2-3 दिन में जो फोड़े फूसियाँ हैं वो ठीक हो जाती है। नेक्स्ट फैमिली इज मैसेरिडी। ओनली 2 सब मार्जिनल सेल्स, केवल 2 सब मार्जिनल सिराएं पाई जाती है। क्लॉज बाइफिड प्रकार के होते हैं। एंटीना क्लब शेप यानी मुगदर के आकार की होती है। इस सिस्टम देख रहे एंटीना का टर्मिनल पार्ट है मुगदर के जैसा है, क्लब शेप। नेस्ट बिल्ड ऑफ मड। नेस्ट जो होता है वो मिट्टी से बनता है। ये भी आप देख रहे हो, ये भी पोटर के घड़े के जैसी इनकी स्ट्रक्चर है। एग्जाम्पल यू पेरेसिया। नेक्स्ट इज स्फीकोइडिया। स्फीकोइडिया के सेलियंट फीचर्स में एंटीना इन मेल 13 सेगमेंटेड एंड इन फीमेल इट इज 12 सेगमेंटेड। तो नर में एंटीना है वो 13 सेगमेंट वाली होती है और फीमेल के अंदर ये 12 सेगमेंट वाली होती है। हाइंड विंग विथ एन एनल लोब। पश्च पंखों में एक एनल लोब पाया जाता है। प्रोनोटम नॉट प्रोट्यूड बैक एज फार एज द टेगुरी। ट्रंकेटेलस ऑफ हाइंड विंग वेरी वीक। पश्चिमी टांगों में जो ट्रंकेटेलस जो पार्ट है ये बहुत ही दुर्बल प्रकार का होता है, वीक प्रकार का होता है। इसमें फर्स्ट फैमिली एसपीसीडी। लेटरल मार्जिन ऑफ प्रोनोटम फॉर्म्स ए डिस्टिंक्ट लोब दैट डज नॉट टच द टेग्यूला। बॉडी रिलेटिवली डिवाइड ऑफ हेयर्स। शरीर के ऊपर सूक्ष्म जो रोम है, हालांकि इसमें मैमल्स में बाल पाए जाते हैं, वैसे बालों जैसे स्ट्रक्चर नहीं है, लेकिन ये फाइबर टाइप की स्ट्रक्चर होती है, इनको हेयर के नाम से जाना जाता है। लेकिन इनकी बॉडी के अंदर
हेयर जैसी स्ट्रक्चर है वो जनरली नहीं पाई जाती है। बेसल सेगमेंट ऑफ टार्साई नॉट एनलार्ज्ड, टार्साई का जो बेसल सेगमेंट है बड़ा नहीं होता है या और फ्लैटन चपटा नहीं होता है। इसके एग्जाम्पल है ट्रिपोजाइलॉन, एमोफाइला, ये जो फिगर है ये इट इज ट्रिपोजाइलॉन। नेक्स्ट इज एपोइडिया। एपोइडिया के सेलियंट फीचर्स में फर्स्ट टू सेगमेंट्स ऑफ लेबियल पल्प फ्लैटन, लेबियल पल्प के पहले जो दो सेगमेंट हैं वो चपटे होते हैं। ग्लोसा इज लॉन्ग एंड स्लेंडर, ग्लोसा लंबी होती है, बेलनाकार होती है। थ्री सब मार्जिनल सेल्स इन हाइंड विंग, पश्च पंख में तीन सब मार्जिनल कोष्ठक पाए जाते हैं। सब मेंबर्स ऑफ सोशल, कुछ मेंबर हैं वो सामाजिक प्रकार के होते हैं, सोशल प्रकार के होते हैं। इसमें फैमिली है कॉलेटीडी। लेबियल सेगमेंट्स विथ फोर सेगमेंट्स, लेबियल सेगमेंट में चार खंड पाए जाते हैं। फॉर्मिंग विथ वेशल वेन, अगर पंखों में आधारीय शिराएं पाई जाती है, एग्जाम्पल हाइलेसियस और कॉलिटिश। ये फिगर दिखा है येलो फेस्ट भी, इसका जो आगे का जो हेड आप देख रहे हो येलो कलर का है इसलिए इसको येलो फेस्ट भी। और इन टांगों में आप पैटर्न देख रहे हो, इसमें ब्लैक येलो ब्लैक येलो, यानी अल्टरनेट पैटर्न इसकी बॉडी में जैसे देखने को मिलता है। नेक्स्ट फैमिली इज हेलिक्टीडी, लेबियल पल्प विथ फोर सेगमेंटेड, लेबियल पल्प चार खंडों का बना होता है। मच शॉर्टर देन स्टाइपिज, स्टाइपिज की तुलना में काफी छोटे हैं। मेंटम एंड सब मेंटम स्क्लेरोटाइज्ड, मेंटम और सब मेंटम स्क्लेरोटाइज्ड होते हैं। एग्जाम्पल स्पीकोडिस, हेलिक्टस और एंड्रीना, ये अलग अलग इंसेक्ट है इस फैमिलीज के। ये इनके पंखों का जैसे क्लोजअप जैसे दिखाया है, ये इसके अंदर फीमेल है, ये फीमेल है, ये फीमेल है। नेक्स्ट फैमिली इज मेलिटीडी, लेबियल पेल्प विथ ऑल सेगमेंट सिमिलर, लेबियल पेल्प में सभी सेगमेंट हैं वो एक समान होते हैं। मेंटम एंड वी शेप सब मेंटम प्रेजेंट, मेंटम और वी के आकार का सब मेंटम जो होता है वो प्रेजेंट होता है। मिड कॉक्सा मच शॉर्टर देन डिस्टेंस फ्रॉम इट्स बेस टू दैट ऑफ हाइंड विंग, मिडिल कॉक्सा है वो काफी छोटी होती है। मिड कॉक्सा मच शॉर्टर देन डिस्टेंस फ्रॉम इट्स बेस टू दैट ऑफ हाइंड विंग, एग्जाम्पल इज मेलिटा। नेक्स्ट फैमिली इज मेगासिलिडी, लेब्रम इज लॉन्गर, लेब्रम लंबा होता है, गैलिया वेरी इलोंगेट, गैलिया लंबी होती है। लेबियल पेल्प विथ फर्स्ट टू सेगमेंट्स वेरी इलोंगेट, लेबियल पेल्प में पहले दो सेगमेंट हैं बहुत लंबे होते हैं। मिड कॉक्सा जनरली टू और थ्री एज लॉन्ग एज डिस्टेंस फ्रॉम इट्स बेस टू दैट ऑफ हाइंड विंग, एग्जाम्पल इज मेगाचिली और चेलिकोडोमा। ये दोनों फिगर यहां पर शेयर किए मैंने आपसे, दिस इज मेगाचिली, दिस इज चेलिकोडोमा। नेक्स्ट फैमिली इज एपीडी, फॉर्म नेस्ट ऑफ वैक्स, ये अपना छाता जो है वो मोम से बनाती है। सोशल लाइफ इज हाईली इवॉल्व्ड, सामाजिक जीवन काफी विकसित होता है। द वर्कर्स आर प्रोवाइडेड विथ हाईली डेवलप्ड पॉलन बास्केट, वर्कर्स की टांगों में पॉलन बास्केट्स पाए जाते हैं क्योंकि फ्लावर के नेक्टार्स को पॉलन को कलेक्ट करके लाती है, उनको डाइजेस्ट करके फिर ये शहद का निर्माण करती है। हाइंड टीबिया विथ नो स्पर, हाइंड टीबिया में कोई स्पर जैसी स्ट्रक्चर नहीं पाई जाती है। पाइजीडियल प्लेट एबसेंट, पाइजीडियल प्लेट एबसेंट होती है, एग्जाम्पल बॉम्बस, यूग्लोसा और एपिश। ये तीनों फिगर यहाँ शेयर किए, दिस इज बॉम्बस, दिस इज यूग्लोसा एंड दिस इज एपिस, यानी जो मधुमक्खी होती है, एपिस डोरसेटा, एपिस इंडिका, एपिस मेलिफेरा, एपिस फ्लोरिया। नेक्स्ट फैमिली इज जाइलोकोपिडी, पाइजीडियल प्लेट एबसेंट, पाइजीडियल प्लेट या तो अनुपस्थित होती है और रिप्रेजेंटेड बाय फ्लैटेंड स्पाइन अथवा चपटे स्पाइन्स के द्वारा निरूपित होती है। क्लाइपियस नॉट प्रोट्यूबरेंट, क्लाइपियस प्रोट्यूबरेंट नहीं होता है,
लेटरल पोर्शन ट्रांसवर्स रेदर देन लॉन्गिट्यूडनल, इनका जो पार्श्व भाग है वो अनुप्रस्थ प्रकार का होता है अंधेरे होने के बजाय, लेटरल पोर्शन ट्रांसवर्स रेदर देन लॉन्गिट्यूडनल, एग्जाम्पल इज जाइलोकोपा और मीजोट्राइकिया। ये जाइलोकोपा है, अपने इसको भंवरा भी बोलते हैं, काले रंग का होता है और फ्लोर के ऊपर जैसे काफी आवाज करते हुए जैसे पंखों को वाइब्रेट करता है। हाँ, तो ये नट सेल में ऑर्डर हाइमनोप्टेरा का ब्रीफ क्लासिफिकेशन है। हालांकि ये क्लासिफिकेशन बहुत लंबा है क्योंकि रिचर्ड डेविस की जो बुक है, सेकंड वॉल्यूम जो बुक है, उसमें ये ऑर्डर कम से कम 50 पेज में डिस्क्राइब किया हुआ है। लेकिन अपनी एरिया के हिसाब से, अपने चूरू शेखावट एरिया के हिसाब से मान लो, और इस एरिया के अंदर जो मुख्य मुख्य जो वाश है, इंसेक्ट्स हैं जो पाए जाते हैं, उनको ध्यान में रखते हुए सभी फैमिलीज को मैंने इसमें इंक्लूड नहीं किया है, केवल मुख्य मुख्य फैमिली को इंक्लूड किया है। और ये क्लासिफिकेशन आपके इंसेक्ट आइडेंटिफिकेशन में बहुत हेल्पफुल होगा और परीक्षा की दृष्टि से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्जाम में एपोक्राइटा सिम्फाइटा में जैसे डिफरेंस पूछते हैं, हनी भी सोशल लाइफ के बारे में पूछते हैं, वास्प की सोशल लाइफ के बारे में पूछते हैं, आंट की सोशल लाइफ के बारे में पूछते हैं। तो प्रैक्टिकल पर्पज के हिसाब से ये जो ऑर्डर है काफ़ी इम्पोर्टेंट है, और मैं आशा करता हूँ कि आपने इस व्याख्यान को खूब एंजॉय किया होगा, काफ़ी ध्यान से इसको सुना होगा। और अंत में मैं हमारे डिपार्टमेंट की तरफ से, हमारे कॉलेज की तरफ से, मेरी तरफ से इस वीडियो को, इस व्याख्यान को देखने वाले सभी दर्शकों और श्रोताओं का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। आई एम हाईली ग्रेटफुल टू यू, आई एम हाईली थैंकफुल टू यू। हैव ए गुड डे, हैव ए ग्रेट डे। Thank you very much.